क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन को ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आप लोग मिस ना करें। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ब्रेड की स्लाइसेस ले ली हैं, 4-5 ले लिए। कोई भी ब्रेड आप ले सकते हैं, सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, स्लाइसेस को एक किनारे रखकर एक प्लेट में रख के अब हम इसमें थोड़ा सा चिली सॉस मिलाएंगे। ये देखिए, अच्छे से इसको लगा लेंगे। यहाँ पर आपके पास धनिए की या पुदीने की खट्टी चटनी हो तो वो आप लगा सकते हैं। और अब हम इस दूसरी स्लाइस जो प्लेन स्लाइस है वो इसके ऊपर रख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये दूसरी स्लाइस में हम टमाटो केचप लगाएंगे, लेकिन हम बीच में इससे पहले ये फ्रेश दही लगाएंगे। इस जगह पे आप फ्रेश मलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन दही यहाँ पर अच्छा लगेगा ब्रेड के साथ। इसमें हमने नमक और काली मिर्च पहले से डाल लिया है, थोड़ा सा फ्रेश दही होना चाहिए। और अब हम इसके ऊपर एक स्लाइस और रख लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, हम चटनियाँ और ये इसलिए लगा रहे हैं कि थोड़ी सॉफ्टनेस ब्रेड में आ जाए। और यहाँ पर हम टमाटो केचप लगाएंगे। इसकी जगह आपके पास मीठी चटनी हो, इमली की या वैसे, तो आप ये वहाँ पर लगा सकते हैं जगह पे। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी बनने वाला स्नैक्स है और सबको बहुत पसंद आता है, बच्चों से ले कर बड़ों तक। और यहाँ पर हम एक स्लाइस फ्रेश फिर रख देंगे इसके ऊपर। हमारे ये 3 कलर्स के हो गए। और अब हम इसके कॉर्नर्स को अलग कर देंगे। हमने यहाँ पर 2 साइड में कॉर्नर अलग किया है। आप चाहिए तो चारों कॉर्नर्स काट सकते हैं। और अगर आप ब्रेड सैंडविच वाली ब्रेड लेते हैं तो उसमें कॉर्नर्स काटने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और इसके 3 हिस्से हम करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने 3 अलग अलग हिस्से कर लिए, पतले पतले। और यहाँ पर हमने एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, बिल्कुल जरा सा हमें डालना है। और अब हम क्या करेंगे, जब ऑयल खूब तेज़ गर्म हो जाए फिर हम इसमें राई डाल देंगे। जो महीन वाली ब्राउन वाली राई आती है जिससे हम ढोकले का छौंका लगाते हैं, वही वाला। ये राई कड़कने लगी, अब यहाँ पर ग्रीन चिली हमने पीसेस कर कर के हमने डाले हैं। और इसके बाद हमने करी पत्ता डाल दिया है थोड़ा सा, और थोड़ी सी चीनी डाल दी है हमने पिसी हुई। और यहाँ पर हम नींबू का रस डाल देंगे, खट्टा मीठा तीखा ये इसका छौंका। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे। और एक जैसे ढोकले का छौंका बनाते हैं हम लोग, बिल्कुल वही सेम आपको बनाना है। इसको थोड़ा सा बॉईल हो जाए फिर हम क्या करेंगे, इसको आप 20 से 6 पीसेस भी आप इसका कर सकते हैं। आपको जिस हिसाब से कटिंग करना हो अपने हिसाब से करिए। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने छौंका बनाया था इसका जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही स्पाइसी, खट्टा मीठा, बहुत अच्छा ढोकला लगता है खाने में, बाज़ार से भी टेस्टी होता है। प्लीज़ आप बनाइएगा ज़रूर। अब हम यहाँ पर एक एक चीज़ करके सजा देंगे, जैसे ग्रीन चिली, करी पत्ता, अलग अलग अपने हिसाब से, जो कि देखने में सुंदर लगे, है ना, बिल्कुल बाज़ार की तरह। और झटपट बन जाता है ये इसमें। ये देखिए, और अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी डाल, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसको किसी किटी पार्टी में, कोई आपके पास गेस्ट आ रहे हो, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे हम ऊपर से सजाने के लिए, तो आप प्लेट भर के इसको बना सकते हैं, अगर आपके पास स्लाइस है, ब्रेड है तो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।